नमस्कार। आज ही बात करने वाला हूँ स्टडी टेबल कौन सी दिशा में फैलाया जाना चाहिए और सोलह की सोलह दिशाओं में जब आप स्टडी टेबल लगा देते हो या आपके बच्चे इस दिशा में बैठकर पढ़ते हैं तो उनके ऊपर कैसे परिणाम आते हैं, अलग अलग तरीके की तैयारी करते हो सर्विसेज का एग्जाम देने से पहले या फिर वार्ड वर्ड जॉब की तैयारी करने से पहले कॉलेज में जाने से पहले या स्कूल में जाने से पहले किसी भी तरीके का अलग अलग एग्जाम लेने से पहले कौन सी दिशा पर बैठ पढ़ना चाहिए और फेसिंग का स्टडी से यानी कि पढ़ाई से ज्ञान संभव है क्या तात्पर्य है, इसमें डिटेल में चर्चा करेंगे, डिटेल में समझने की कोशिश करेंगे ताकि आप सभी के लाइफ में जो आपके बच्चे हैं उनकी लाइफ में बहुत सारे परिवर्तन आ सके और कुछ भी हो सके। जब लोग डायरेक्ट वीडियो देखने के बारे में बात करते हैं तो बहुत सारे लोग ऐसा भी कहते हैं कि आप शॉर्ट में बताइए कि क्या प्रॉब्लम है, कहाँ पर हमें स्टडी टेबल रखना चाहिए। ये वीडियो शॉर्ट नहीं हो सकती, शॉर्ट्स के आप इंस्टाग्राम पर या यूट्यूब के शॉर्ट्स को देखिए क्योंकि ये उन लोगों के लिए विषय है जो लोग सीखना चाहते हैं या जिनके घर में यहाँ पर स्टडी टेबल है या जिनके घर में यहाँ पर वो पर्टिकुलर एक्टिविटी हो रही है जिससे रिलेटेड ये वीडियो है, उनके ऊपर क्या परिणाम आ रही है वो इसमें कैसे सॉल्व कर सकते हैं। बिना रुके बात करता हूँ सबसे पहली दिशा नॉर्थ ईस्ट दिशा के बारे में। इस दिशा में जब आपका स्टडी टेबल होता है तो ये वन ऑफ द बेस्ट लोकेशन है, वन ऑफ द बेस्ट दिशा है या जोन है, इशात को जिसको कहते हैं। अक्सर मैं आपको बताता हूँ कि ये नॉर्थ दिशा और ईस्ट दिशा यानी कि उत्तर दिशा और पूर्व दिशा के बिल्कुल मध्य में जो ये 22.5 डिग्री का एंगल बनता है इसको कहते हैं। दक्षिण के ऊपर वर्गीकृत के देखने की जरूरत है, उस पर थोड़ा भी कीजिएगा कि यहाँ पर जब आपके बच्चे बैठकर पढ़ते हैं तो उनके दिमाग में विचार बहुत अच्छे रहते हैं, क्लैरिटी रहती है, कितना पढ़ना है उतना नहीं पढ़ना, सॉर्टेड रहते हैं इस सब्जेक्ट को पढ़ना चाहिए और इस सब्जेक्ट को नहीं पढ़ना चाहिए, कमी कहाँ पर आती है। जब वो इसी पेपर पर लाल रंग उस बिछा देते हैं ये यहीं पर कोई खिलौने रख देते हैं, ये यहीं पर कोई कंप्यूटर टेबल लगा दिया और उस पर अपने गेम खेलने लगी तो फिर माइंड जो है वो तो शार्प होगा लेकिन वो गेम्स में भी हो सकता है। इस बात पर आपको विशेष ध्यान देना है कि यहाँ पर बैठकर बच्चे पढ़े और किताबें जो हैं वो वही रखें जिन किताबों के ऊपर को पढ़ाई दबनी, स्टोरेज ना कर ले आप किताबों की क्योंकि किताबों की स्टोरेज का प्लेस है कहीं ना कहीं लॉग रख लें, मेमरी पावर तो अच्छी मिलेगी लेकिन उनको कन्फ्यूजन पड़ता है, जितनी ज़्यादा किताबें उतना ज़्यादा दिमाग के ऊपर लो पढ़ने के लिए बहुत अच्छे दिशा है निशानपुर यानी कि नॉर्थ ईस्ट या दिल्ली उत्तर उसके बाद दिशा भी है ईस्ट नॉर्थ ईस्ट। अब कुछ लोग क्या करते हैं यहाँ पर एक स्क्वायर बनाते हैं पूरी दिशा पर नॉर्थ ईस्ट ईशान पूर्व मान लेते हैं। आप सभी लोग जिन्होंने ऐसा आज तक किया हुआ है उनके बच्चे ईस्ट नॉर्थ ईस्ट में पढ़ रहे हैं, कोई भी पढ़ते हुए इंजॉय नहीं करता, फोर्स नहीं पढ़ पाए। दूसरी बात उसका जो उस्ताद है वो किसी ना किसी तरीके से गेम्स की तरफ ज़्यादा रहेगा, पढ़ाई में बहुत बोर होता जाएगा और नंबर भी इंस्टीट्यूट में कितने आने चाहिए उसको पर्याप्त मात्रा में कभी नहीं मिलेंगे और होता क्या है ना ही बच्चा स्पोर्ट्स में अच्छा कर पाता है, न स्किल अच्छी डेवलप हो पाती है, ना ही पढ़ाई में अच्छा कर पाता है क्योंकि ये दिशा कहीं कुछ की है और दोनों ही बातों को मिलाने के कारण आत्मी गड़बड़ भी। तो नॉर्थ ईस्ट और ईस्ट नॉर्थ ईस्ट बिल्कुल एक ही कमरे में आने वाली दो दिशाएँ हो सकती हैं लेकिन आपको ध्यान देना है कि बच्चा कहाँ पर बैठा है। फेसिंग के बारे में हम बात करेंगे, उसके बाद में आती है पूर्व दिशा ईस्ट। जो लोग पॉलिटिकल साइंसेस पढ़ते हैं या पॉलिटिशियन बनना चाहते हैं, जो लोग पॉलिटिक्स में इंटरेस्ट रखते हैं, गवर्नमेंट जॉब की तैयारी कर रहे हैं, स्पेसिफिकली आईएएस बनना चाहते हैं, अधिकारी बड़े लेवल के बनना चाहते हैं, उनके लिए ये दिशा बहुत अच्छी बहुत महत्वपूर्ण है। इसमें ना तो कोई वास्तु दोष होना चाहिए और यहाँ पर बैठ के पढ़ने से भी काफ़ी अच्छे परिणाम लगते हैं, इनका सूर्य तेज होता है जो कि तारक है गवर्नमेंट मिसेज का। उसके बाद ईस्ट साउथ ईस्ट जो दिशा है यह दिशा उसमें भी कंफ्यूजन और कॉन्फ्लिक्ट पैदा करती है एक बच्चे के मन में जो पढ़ने का कंफ्यूजन कैसा कि मैं और पढ़ लूँ कि जिज्ञासा रहेगी और धीरे धीरे कंफ्यूजन पैदा होता रहेगा। ये किनके लिए अच्छा है जिनके लिए अंत ही पढ़ाई होती है या एनालिटिकल अप्रोच होती है,
जैसे कि अकाउंटेंसी, उसमें पढ़ाई से ज्यादा प्रैक्टिकल अप्रोच है और दिमाग को बार बार चर्न करना है। या मैथमेटिक्स भी एक बार कोई हमें पढ़ी जा सकती है, थ्योरेटिकल सब्जेक्ट्स को यहाँ प्रिवेंट कर कभी भी ना पढ़े, या दिन में आधा पौना घंटा यूटिलाइज करना है तो ठीक है, रेगुलर बेसिस पर यहाँ पर पढ़ने में प्रॉब्लम आ सकती है। फिर आएगा साउथ ईस्ट डायरेक्शन, यहाँ पर बैठकर अकाउंटेंसी का काम किया जाए, अकाउंटेंसी को पढ़ा जाए या व्यापार को पढ़ा जाए तो ये बहुत ज्यादा अच्छा रहेगा। अदर देन दैट ये भी प्रॉब्लम दे सकता है, बच्चों में एग्रेशन दे सकता है, लेकिन फिर भी बहुत ज्यादा बुरा नहीं है। रेमेडीज क्या करेंगे यहाँ पर उनके बारे में बात करता हूँ। पहले हम इस बात को समझ लेते हैं कहाँ पर आपके बच्चे बैठे हैं, उनके ऊपर क्या परिणाम आ रही है। साउथ और साउथ ईस्ट दिशा की एक बहुत अच्छी खासियत है, जो बच्चे मैथमेटिक्स पढ़ते हैं उनके लिए बहुत ही ज्यादा लाभकारी है। ओवरऑल भी ये बच्चे को कॉन्फिडेंस बिल्ड कर हुई है, लेकिन मैंने कई बार ये बात देखी है कि अगर बच्चा यहाँ पर बैठ के पढ़ रहा है उसको वह मिल जाता है इस बात का कि मुझे तो कोई बीट नहीं कर सकता, मैं सबों प्रिय, मुझसे अच्छा इस वीडियो में कोई नहीं कर सकता। ये वह कई बार ओवर कॉन्फिडेंस बनने के कारण साथ दे देता है। अदरवाइज ये दिशा वन ऑफ द बेस्ट लोकेशन है पढ़ाई करने के लिए। इसकी रेमेडी क्या होगी इसमें हम आगे बात करेंगे। साउथ डायरेक्शन जो है, यहाँ बैठकर पढ़ता है कोई व्यक्ति जो लॉ की पढ़ाई कर रहा है तो बहुत ज्यादा अच्छा है, पॉलिटिक्स की पढ़ाई कर रहा है तो बहुत ज्यादा अच्छा है, या वाद विवाद करता है तो बहुत ज्यादा अच्छा है, लेकिन किसी भी तरीके से ओवरऑल पढ़ाइयां जब वो करता है तो बहुत ज्यादा अच्छा यहाँ पर नहीं है, क्योंकि यहाँ पर बैठे हुए बच्चे को नींद आने की शिकायत बहुत ज्यादा रहेगी, क्योंकि जगह रिलैक्सेशन की है। जब वो पढ़ाई करेगा तो वो रिलैक्स हो जाएगा और वो सो जाएगा। आपने बहुत सारे बच्चे ऐसे देखे होंगे जो किताब खोलते हैं और सो जाते हैं। और दक्षिण दिशा का बहुत महत्वपूर्ण रोल वहां पर दिखाई देता है। उसके बाद बात आती है साउथ और साउथ वेस्ट। यहाँ बैठ कर बच्चा पढ़ाई में रुझान तो फिर भी ज्यादा लेगा, लेकिन हमेशा फेल हो जाएगा। ये देखो, मैंने बहुत सारे लोगों के घर में इस बात को पाया है कि जितने भी होशियार बच्चे हैं, एक्स्ट्राऑर्डिनरी जो जीवन कुछ करना चाहते थे, वो उनकी स्टडी टेबल साउथ और साउथ वेस्ट में, लेकिन वो फेल हो गए। इस बात का रोना है, यहां से उनके 100% हटाना ही एकमात्र रेमेडी है। यहाँ पर बैठ के आपका बच्चा ना पढ़े ना खेले आएगा तो सोए। उसके बाद बात आती है साउथ वेस्ट की, इसमें बैठकर अगर बच्चा पढ़ता है तो स्किलफुल हो जाता है। स्पेशली जो लोग इंजीनियर्स हैं, जो लोग आर्किटेक्ट्स हैं, जो लोग स्किलफुल पढ़ाई करते हैं, आर्ट का काम सीख रहे हैं कोई भी, जिसमें पढ़ाई भी है और स्किल भी डेवलप हो रही है। इंजीनियर सब स्किल है, आर्किटेक्चर स्किल है, वास्तुशास्त्र स्किल है। इस स्किल को सीखना प्लस थ्योरी को सीखना साउथ वेस्ट में होना चाहिए। इसीलिए जो लोग मेरे एडवांस कोर्स में आते हैं मैं सभी को बोलता हूँ, साउथ वेस्ट में अपने डॉक्यूमेंट्स रखो, साउथ वेस्ट में अपनी पीडीएफ रखो, साउथ वेस्ट में जो टूल्स देता हूँ एनर्जी चेक करने के, वो भी यहाँ पर रखो, ताकि उन सभी का मनोबल भी बढ़े और उनकी स्किल डेवलप हो जाए। क्योंकि वास्तुशास्त्र थ्योरेटिकल सब्जेक्ट नहीं है, वास्तुशास्त्र प्रैक्टिकल सब्जेक्ट है, करने की विधा है। फिर उसके बाद बात आती है वेस्ट ऑफ साउथ वेस्ट। ये दिशा बनी ही मां सरस्वती की है, ये दिशा है ही उस चीज की जो आपको ज्ञान देती है। तो यहाँ पर बैठकर स्टडी टेबल लगाना, पढ़ना और आपके बच्चे की पढ़ाई करना सभी उपयुक्त है, बहुत बेहतरीन है। और मैंने कई बार देखा है बच्चे बैठे यहाँ खेलते हैं और अपने खेलने वाले गेम यहाँ रख देते हैं, उसके कारण जब पेपर दे रहे होते हैं, एग्जाम दे रहे होते हैं, उस वक्त उनके दिमाग में गेम की याद आ जाती है तो प्रॉब्लम आ सकती है। तो इस बात का विशेषकर ध्यान रखें। उसके बाद आती है पश्चिम दिशा। इस दिशा में बैठकर पढ़ना भी काफी लाभकारी है, स्पेशली जो लोग व्यापार को पढ़ते हैं, एमबीए बीबीए कर रहे हैं, उनके लिए बहुत ज्यादा अच्छा है। अदरवाइज जो लोग फ्यूचर में इसलिए पढ़ाई कर रहे हैं कि अपने ही व्यापार को चलाए, उनके लिए भी दिशा बहुत लाभकारी, बहुत अच्छी रहेगी। फिर आती है वेस्ट नॉर्थ वेस्ट। बच्चा अक्सर पढ़ाई को लेकर ही डिप्रेस हो जाता है, नंबर में ठीक आ रहे हैं, बेरे नंबर आए, कब आए, दो नंबर कब आए, या उसके पेरेंट इस तरीके का प्रभाव डालते हैं कि बच्चा बहुत ज्यादा नकारात्मक होता चला जाता है, बहुत ही ज्यादा इस विषय पर चला जाता है कि मैं तो कुछ जीवन में नहीं कर पाऊंगा, और नुकसान होता है। यहाँ पर बैठकर बच्चों को कभी ना पढ़ाएं, ना किताबें रखें, ना उनको सुनने दें। उसके बाद आता है नॉर्थ वेस्ट दिशा। अगर यहाँ पर कोई बच्चा बैठा है तो वो भी वकालत की पढ़ाई कर सकता है या ऐसी पढ़ाइयाँ कर सकता है जिसमें कोई वाद विवाद करना हो, आर्ग्यूमेंटेशन वाली जॉब हो, वो सबकी पढ़ाइयाँ यहाँ पर बैठ कर बच्चा कर सकता है, बहुत अच्छी रहेगी। ओवरऑल जो पढ़ाई है वो भी यहाँ पर कोई बहुत बुरी नहीं रहेगी, लेकिन बच्चा समय कम देगा पढ़ाई करते हुए। नॉर्थ और वेस्ट में पढ़ने से बच्चे का रुझान गलत तरीके की पढ़ाइयों की तरफ जा सकता है। बच्चा बहुत जल्दी एडल्ट्री जैसी चीजें देख सकता है और उसका जो ध्यान है वो पढ़ाई पे ना लगकर अपनी कक्षा में गलत हरकतों में ज्यादा बढ़ सकता है।
इसलिए यहाँ पर बैठ के बच्चों को ना पढ़ाए तो ज्यादा आपके लिए अच्छा रहेगा। उसके बाद आती है नॉर्थ दिशा। नॉर्थ दिशा के अंदर या उत्तर दिशा के अंदर जब बच्चा पढ़ता है तो वो आईएएस आईपीएस गवर्नमेंट सर्विसेज प्राइवेट कोई भी जॉब की जब वो तैयारी कर रहा है उसके लिए बहुत ज्यादा अच्छा है। कम्युनिकेशन का कोई काम कर रहा है, लैंग्वेज अगर वो सीख रहा है, इन सभी चीजों के लिए नॉर्थ डायरेक्शन बेहद खूबसूरत बेहद अच्छे डायरेक्शन है। उसके बाद आती है नॉर्थ ऑफ नॉर्थ ईस्ट डायरेक्शन। यहाँ पर बैठते सारे मेडिकल स्टूडेंट फार्मासिस्ट ये अगर पढ़ाई करते हैं तो उनके नंबर अच्छे आते हैं, ग्रेस्प होता है और उनके अंदर ये शफा बाय डिफॉल्ट आ जाती है कि वो जिसके लिए दवाई लिखते हैं फिर वो पार लग जाता है। ये क्यों होता है? जिस देवता एनर्जी फील्ड पर बैठ कर बच्चा पढ़ाई करता है, जो देवता एनर्जी फील्ड उस व्यक्ति के घर में पहले से मिसिंग है जिसमें वो व्यक्ति पैदा हुआ, वही देवता एनर्जी फील्ड पूरा जीवन उसको दमन करता है। जैसे किसी की शादी नहीं हुई, कुंडली सही है, घर में वास्तु के दिशाएं सही है, मैंने ये पाया कि उनके कन की आर्यमा दिशा में या आर्यमा देवता एनर्जी फील्ड में माल फंक्शन है। उससे क्या हुआ, वो जो व्यक्ति है, वो जो बच्चा है, उसके घर चल गया पर्टिकुलर नक्षत्र का माल फंक्शन और उसके साथ कोई समस्या आ रही है। अगर ये दो देवता भुजंग और आदित्य आपके बैलेंस हैं, नॉर्थ नॉर्थ ईस्ट बहुत अच्छा है, एक तो बाय डिफॉल्ट जो जेनेटिकल डिसऑर्डर्स होते हैं बच्चे में वो कभी नहीं होते, और जो लोग बाय डिफॉल्ट डॉक्टर बनना चाहते हैं, बचपन से फार्मासिस्ट बनना चाहते हैं, उनको यहीं पर कमरा देना स्टार्ट कर दी जाए, उनकी जो इंटरनल नॉलेज है वो बहुत अच्छी हो जाएगी और इन देवताओं को अगर अच्छा कर दिया जाए तो उनसे बेहतर डॉक्टर नहीं बन सकता। ये मैंने बहुत सारे डॉक्टर्स के केस में, हॉस्पिटल्स के केस में पाया कि ये चमत्कारी प्रभाव देता है जब भी व्यक्ति हीलिंग से रिलेटेड कोई भी पढ़ाई करता है। ये चमत्कार दिशाओं के भी है और मैन उपचार के भी है। उसके बाद हम बात करते हैं फेसिंग की, तो फेसिंग जब भी हम बात करते हैं वो हर दिशा में अच्छी होती है। आप सभी लोगों ने यूजुअली इस बात को सुना होगा कि सिर्फ उत्तर दिशा ही अच्छी होती है या पूर्व दिशा ही अच्छी होती है, जबकि ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। जब भी आप सभी लोग व्यापार को पढ़ते हो, मैथमेटिक्स को पढ़ते हो, तो पश्चिम दिशा की तरफ देखते हुए बहुत ज्यादा अच्छा रहता है, या जो लोग विकारिस्ट हैं या कोई भी स्किलफुल काम करते हैं तो पश्चिम दिशा की तरफ देखकर पढ़ना उनके लिए बेहद लाभकारी रहता है। वैसे ही जो व्यक्ति जीवन में आगे बढ़ना चाहता है, रोज कुछ नया सीखना चाहता है, उनके लिए उत्तर दिशा का मुख बहुत अच्छा रहता है। वैसे ही जो लोग क्रिएटिव काम करना चाहते हैं, लिखा पढ़ी करना चाहते हैं, कुछ किताबें लिखना चाहते हैं, उनके लिए पूर्व दिशा बहुत अच्छी रहती है। ऐसे ही दक्षिण दिशा जो लोग लॉ करना चाहते हैं या पुलिस में जाना चाहते हैं, फायर से रिलेटेड कोई काम करना चाहते हैं, उनके लिए दक्षिण दिशा का मुख बेहद अच्छा रहता है। इसी तरीके से कहां पर बैठकर कहां फेस कराना है इसकी कैलकुलेशन की जा सकती है। ओवरऑल नॉर्थ और ईस्ट में देखा गया फेस अच्छा होता ही है, बुरा नहीं है, लेकिन बुरा दक्षिण और पश्चिम भी नहीं है। क्या करना चाहता है आपका बच्चा, उससे रिलेटेड देवता एनर्जी प्रिंस को ट्रिगर कीजिए, उससे रिलेटेड दिशा में उस बच्चे को बिठाइए ताकि हम अच्छे भारत के अच्छे भविष्य देख सकें। और साथ में हम सभी लोग अब सीखने वाले हैं देवता एनर्जी फील्ड का कोर्स, प्री रिकॉर्डेड भी है और ऑनलाइन भी जल्द आ रहा है, पूरी डिटेल डिस्क्रिप्शन में है। जो लोग इस फील्ड में आगे आना चाहते हैं ज्वाइन कीजिए, मिलेंगे देवता एनर्जी फील्ड के कोर्स में। थैंक यू।